students, we are going to discuss now civil disobedience movement. As you know very well कि non-cooperation movement के time ही लोगों ने गांधी जी को बहुत insist किया था कि वो अब civil disobedience movement भी start कर दे, and he was agree also. Just because of the चौरी चौरा incident, उन्होंने दोनों ही movement वहीं पर stop कर दिया, और civil disobedience movement start नहीं हो पाया. बट लेटर ऑन सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट स्टार्ट करने के गांधी जी को काफ़ी रीजंस मिल गए थे. उनमें से एक तो साइमन कमीशन था, एंड द सेकेंड वॉज नेहरू रिपोर्ट, एंड द थर्ड वॉज पूर्ण स्वराज, एंड दीज थ्री वर इंटर रिलेटेड. हाउ डेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे हम ओटेक केमिस्ट फॉर रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, इसमें इन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडियंस के जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे कि वो ये चाहते थे कि विद इन अ कमिंग टाइम इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दे सके. इसीलिए इस एक्ट में उन्होंने एक और प्रोविज़न ऐड किया था, डैट इज़ कि हर 10 साल के बाद जो गवर्नमेंट है वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक कमीशन अपॉइंट करेगी जो कि इस एक्ट को, एक्ट के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करेगी, एंड आफ्टर दैट दे मेक अ प्रपोजल एंड रिकमेंडेशंस फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म. बट इन 1927 ब्रिकेनहेड को, लॉर्ड ब्रिकेनहेड को एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया, एंड ही सेट अप अ कमीशन इन विच देयर वर 7 मेंबर्स हु वर बिलोंग्स टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड द चेयरमैन ऑफ दैट कमीशन वाज सर जॉन साइमन. दैट्स व्हाई दिस कमीशन नेम इज फ्रॉम His name साइमन कमीशन. लेकिन इन सब चीज़ों से इंडियंस काफ़ी नाराज़ हुए, एंड क्यों नाराज़ होने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, जहाँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें ये भी इंक्लूड किया गया था कि पॉलिसी मेकिंग में भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन होगा. तो इस वजह से इंडियंस जो है वो काफ़ी नाराज़ थे. ऑलमोस्ट अगर कहा जाए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे. जब ब्रिकेनहेड को पता चला कि इंडियंस देवर अनहैप्पी विद इस कमीशन, सो इसलिए उन्होंने ये बताया कि ही थॉट दैट इंडियंस आर नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इवन इफ दे फॉर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन देयर मस्ट बी अ चांस कि जो डिफरेंट कम्युनिटी एंड क्लासेस क्रिएट में इंडिया डिवाइडेड है, इंडिया में लोग डिवाइडेड है, तो देयर मस्ट बी अ चांस कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इसीलिए उन्होंने साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया, जिसमें उन्होंने सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही मेंबर्स को रखा है. बट उन्होंने कहा कि फिर भी वो एक चांस जो है, जो एक चांस है वो इंडियंस को देंगे, जिससे कि इंडियंस एक ऐसा ही रिपोर्ट बनाए जिसे हर एक क्लास क्रिएट कॉमेडी और हर एक पार्टी के जो लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो एक्सेप्ट करें. अब इन दिस और इंडियंस ने जो है उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और दिसंबर 1927 को मद्रास सेशन में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे मुख्तार अहमद अंसारी, उन्होंने दो मेजर डिसीजन लिए. एक डिसीजन जो लिया गया वो ये था कि वो साइमन कमीशन को किसी भी तरह के कोऑपरेशन नहीं करेंगे, एंड द सेकेंड विल दैट
दे विल सेटअप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी. सो जो इंडियन ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बना, इसके जो चेयरमैन नियुक्त किए गए, अपॉइंट किए गए, सेलेक्ट किए गए, दैट वॉज मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी के फादर. सो उनके द्वारा जो रिपोर्ट बन जाएगी, इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है. अब इसी पर्पस के लिए फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आए, और सारे लोगों ने, जितने भी लोग थे इंडिया के, दे स्टार्टेड मास प्रोटेस्ट एंड हड़ताल्स. दे शो देयर ब्लैक फ्लैग ऑल्सो टू द मेंबर्स ऑफ द कमीशन. और उस टाइम जो स्लोगन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, दैट इज साइमन गो बैक. एंड इन लाहौर में जब रेलवे स्टेशन में लाला लाजपत राय वो एक डेमोन्स्ट्रेशन को लीड कर रहे थे इन अक्टूबर 30, 1928 को, तब जेम्स स्कॉट नाम के जो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया. और उसी लाठीचार्ज में जेम्स स्कॉट के द्वारा लाला लाजपत राय काफ़ी इंजर्ड हो चुके थे, जिस वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई. नाउ ऑन 28 अगस्त 1928 को नेहरू कमेटी ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया. उसमें जो मेन चीज़ उन्होंने रखा था, डेट इज़ डोमिनियन स्टेटस, कि जो इन जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें मेन होगा हमारा डोमिनियन स्टेटस. उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के लिए डिमांड किया था. बट जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में वोट दिया. इसके पीछे रीज़न था, उन्होंने कहा कि अगर डोमिनियन स्टेटस रहेगा तो जो इम्पैक्ट है इंडियंस के लोगों का, वो सही, इस रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो इंडियंस के ऊपर काफ़ी नेगेटिव पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया. इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और नेताजी ने मिलके एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, जिसका नाम दिया उन्होंने इंडिया लीग. और ये जो इंडिया लीग है, ये इन्होंने अप्रैल 1928 को फॉर्म किया. हालांकि इसी के बाद फिर कलकत्ता सेशन में दिसंबर 1928 को मोतीलाल नेहरू जी ने अपना ये रिपोर्ट फिर से प्रेजेंट किया, जिसे मोस्टली जो वहाँ के जितने लोग थे उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो उन्होंने अपना ये रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को सबमिट किया, और उन्हें एक अल्टीमेटम दिया कि एक साल के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर देना पड़ेगा, अदरवाइज एक मास मूवमेंट के लिए आप रेडी रहिएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट रिकमेंडेशन इज गिवन बाय द साइमन कमीशन. उन्होंने क्या रिकमेंड किया था अपनी कमीशन में. पहला ये था कि ड्यूअल पावर गवर्नमेंट नहीं होगी, सिंगल ऑटोनॉमी पावर होगा, एंड इनके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे. नॉट ओनली दैट, गवर्नर शुड गिवन ओवरराइडिंग पावर इन सर्टेन मैटर्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बड़े होने चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट सेंटर में होना चाहिए, एंड ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स विल बी द पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. द गवर्नर जनरल जो है, दे शुड सेलेक्ट एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट. ब्रिटिश ट्रूप्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स, दे शुड हैव they should stay on
in India regiments for many more years. High Court should be under the administrative control over the government of India. High Court जो है वो जो administrative के under control में ही आएगा. The communal representations was to be continued. जिस तरीके से ये communal representation मतलब है जितनी भी communities है उसके जो representative represent करते हैं खुद को वो as it is ही representations चलेगा. So this is Simon Commission recommendation. अब आइए आप नेहरू की report की what they recommended it. तो पहला था उनका dominion status. सेकेंड था सो नेहरू रिपोर्ट में पहले जैसे मैंने आपको बताया कि दे वांट अ डोमिनियन स्टेटस. सेकेंडली व्हाट दे वांट इज कि सीनेट में जो है वो 7 साल में इलेक्शंस होते रहना चाहिए एंड इट शुड कंटेन 200 मेंबर्स बाय द प्रोविंशियल काउंसिल्स. अब सीनेट क्या होता है? सीनेट इज द स्मॉल अपर असेंबली ऑफ इन द US. और जो इंडिया में जो हाउसेज है विच वी नो एज नोन एज अपर हाउस एंड लोअर हाउस तो उसके जो रिप्रेजेंटेशंस हो या रिप्रेजेंटेटिव्स हो वो 500 मेंबर्स इलेक्टेड होने चाहिए विद इन 5 ईयर्स अल्टरनेटिवली बाय द एडल्ट फ्रेंचाइजी. सो एडल्ट फ्रेंचाइजी यू नो वेरी वेल दैट इज कॉल वोटिंग मीन्स वोट बाय द adult means those who are more than 18 year of age so they now the next is they want a joint electorates जिसमें कि reservations minorities के लिए reservations होना चाहिए. इन्होंने यहाँ पे पंजाब और बंगाल एरिया को छोड़ दिया था but rest of the area they want कि वहाँ पे जॉइंट इलेक्टर्स होना चाहिए और वहाँ पे कुछ एडिशनल सीट्स भी होने चाहिए. इसके अलावा न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस हो. लिंग्विस्टिक मीन्स नए लैंग्वेजेस के बेसिस होने चाहिए इसमें. मतलब ऐसा ना हो कि अगर जिसे समझ में नहीं आता तो उसके लिए वो इंग्लिश ही कंपल्सरी हो. वो सारा कुछ जो प्रोविंसेस हैं वो बाकी कुछ मेन लैंग्वेजेस में भी लिखे होने चाहिए जिससे कि सबको समझ में आए. 19 फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जिनमें राइट टू वोट, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, सर्चेस, सीजर्स एंड फ्रीडम ऑफ कंसाइज इंक्लूडेड होना चाहिए. राइट टू वोट दैट यू नो वेरी वेल फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट मतलब फोर्सफुली किसी को कैद करना, प्रिजन करना वो चीज़ नहीं होना चाहिए. कि या फोर्सफुली सर्च करना ये भी नहीं होना चाहिए विदाउट एनी वारंट. एंड सीजर्स मतलब हुआ कि फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना तो वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब रिलीजियस्टिक फ्रीडम मिलना चाहिए. So this is they include in the Nehru report. You know कि पूर्ण स्वराज भी एक रीज़न था सिविल डिसऑबिडियंस के लिए. तो पूर्ण स्वराज मतलब जिसे हम कहते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये जो है इट स्टार्टेड इन द ईयर 1929 इन द लाहौर सेशन दिसंबर जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे ऑफ द कांग्रेस पार्टी. सो इन दैट ही प्रपोज्ड दैट इन द लास्ट संडे ऑफ द जनवरी 1930 इट वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे which incidentally fell on 26th. So now you can understand क्यों 26 जनवरी को इतनी प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि
उन्होंने ये कहा था कि 1929 में कहा था कि जो अगले साल जो जनवरी का लास्ट संडे होगा उसमें हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और वो दिन निकला आपका 26th, इसीलिए उस दिन को, उस दिन से मतलब जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला वो हमारा एक फॉर्मल सेलिब्रेशन के लिए वो दिन सेलेक्ट किया गया और उसी दिन सेलिब्रेशन किया जाता था। सो ऑन दैट डे पंडित जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राइकलर फ्लैग एट बैंक ऑफ रावी रिवर एट लाहौर एंड वी सेलिब्रेट आवर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। बट ब्रिटिशर्स वर स्टिल अराउंड एंड इट वॉजंट अ कम्प्लीट इंडिपेंडेंस, बट फिर भी हम सबके मन में एक इंडिपेंडेंट की जो फीलिंग है, फ्रीडम की जो फीलिंग है, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पे लोगों ने फील किया था, और इसी वजह से January 26, 1930 को उन्होंने सबसे पहला हमारा जो तिरंगा है वो रिवर रावी में ध्वजा मतलब फहराया गया था। सो दिस वॉज द पूर्ण स्वराज, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था। नाउ इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, डैट इज़ फर्स्ट, इसी में ही ये डिसाइड किया गया कि सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को कंटिन्यू करना है, अब स्टार्ट करना चाहिए, और हमारा अब मेन मोटिव जो रहेगा वो यही रहेगा कि हम लोग, हमें कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस मिले, मतलब पूर्ण स्वराज मिले, और रेजिग्नेशंस बाय मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो भी मेंबर्स है वो अपने पोजीशन से रिज़ाइन करें, विड्रॉल फ्रॉम ऑल पॉसिबल एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी चीज़ें, जो भी हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के साथ एक टाई अप किया है उसे हम छोड़ देंगे, हम उसे विड्रॉल कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट अ पूर्ण स्वराज इज। नाउ आफ्टर दिस, जब ये सब हुआ तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टास्क गांधी जी को मिल गया था कि नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द सिविल डिसऑबिडेंस, मतलब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट का सबसे बड़ा जो स्टार्टिंग है उन्होंने डांडी मार्च से किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डांडी मार्च। सो इन 1882 साल्ट एक्ट लागू किया गया। ब्रिटिश की मोनोपोली ये थी कि सॉल्ट के मैन्युफैक्चर से सॉल्ट की कलेक्शन तक में चार्जेस लगाए जाए, टैक्सेस लगाए जाए, और जो इस टैक्सेस को टैक्सेस पे नहीं करेगा उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस भी लगाए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जो ब्रिटिशर्स कोस्टल एरिया के पास रहते थे उनके लिए ये सिर्फ फ्री था, ये जो टैक्सेस है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के ऊपर इम्प्लीमेंट उन्होंने करवाया था, और इंडियंस को इवन फोर्स भी किया था दैट यू हैव टू पे द चार्जेस, और इवन इंडियंस को ये भी फोर्स किया गया था कि उन्हें ये सॉल्ट जो है ब्रिटिशर्स से ही खरीदना पड़ेगा एंड दे हैव टू गिव टैक्सेस फॉर दैट, जिसके अगेंस्ट गांधी जी ने ये कहा था कि सॉल्ट में भी टैक्स लगाने का मतलब है जो गरीब हैं, जो गरीब इंडियंस हैं उनके ऊपर प्रेशराइज बनाना, क्योंकि अगर उनके पास खाने के लिए दाल ना भी हो तो वो रोटी में नमक डाल के वो खा सकते हैं, लेकिन अगर नमक ना हो तो उनके लिए खाना भी खाना मुश्किल है। सो ही फील दैट द प्रोटेस्ट वुड ड्रामेटाइज पूर्ण स्वराज इन अ वे दैट वॉज मीनिंगफुल टू एवरी इंडियंस, एंड ही ऑल्सो रीजन दैट इट वुड बिल्ड यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम बाय फाइटिंग अ रॉन्ग दैट टच देम इक्वली। सो नाउ
for starting the Dandi March on 5th February. In our newspaper, it's reported that Gandhiji was going to start the civil disobedience movement, and it started by defying the salt law. अब इस सॉल्ट लॉ को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 12th मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट किया, एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम विलेज ऑफ डांडी विद 80 सत्याग्रही ऑन 12th मार्च 1930 ओवर टू 390 किलोमीटर्स विच इज जस्ट नियर बाय द साबरमती आश्रम. सो द फर्स्ट डे, पहला जो दिन था मार्च का, सो उन्होंने 21 किलोमीटर क्रॉस किया नियर बाय दी विलेज ऑफ असाली, जहाँ गांधी जी ने नियर अबाउट 4000 क्राउडेड को रिप्रेजेंट किया और आप कह सकते हो लीड किया. और यहीं पे जो असाली गांव के जो लोग हैं उन्होंने डोनेशंस और भी लोग जो हैं वो आके सत्याग्रही के इस मूवमेंट में जुड़े, और जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी अपने पोजीशन से, जो ब्रिटिशर्स की जो पोजीशन ने दी गई थी वहाँ से रिज़ाइन दिया टू सपोर्टिंग द डांडी मार्च. और जहाँ जहाँ जिस जिस गाँव से वो गुजर रहे थे वहाँ पर लोग उनका वेलकम कर रहे थे, एंड दे वेलकम बाय बीटिंग द ड्रम्स एंड सिंबल्स, एंड गांधी जी गिव स्पीचेस ओवर देयर दैट सॉल्ट टैक्स एज इनह्यूमन, एंड दैट इट्स जस्ट अ पुअर मैन स्ट्रगल, दे आर स्ट्रगलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टैक्स. दिस इज़ वॉट ही सेड. एंड नॉट ओनली दैट, ऑन एच नाइन्थ डे मीन्स हर नौवें दिन में वो लोग सब सोते थे, और जो विलेजर्स थे उनसे सिर्फ इतना ही सपोर्ट मांगा जाता था कि वो उन्हें खाना और पानी दे. गांधी जी को ये रियलाइज़ करने लगे कि इससे जो गरीब है जिन्हें ये फील होता था दे आर नॉट कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंट लेवल जाके और उन्हें अपनी विक्ट्री अपने सामने दिखे. सो थाउजेंड्स ऑफ सत्याग्रही एंड द लीडर्स जॉइन देम, वन ऑफ देम इज सरोजिनी नायडू ऑल्सो, बिकॉज दिस वन इज द फर्स्ट मोमेंट जिसमें वोमेंस को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला था. इससे पहले वुमेंस पार्टिसिपेशन नहीं करती थी, दे सपोर्ट, बट ऐसे मास मूवमेंट में एक साथ मतलब मेन के साथ चलना ये पहले नहीं हुआ था, नॉट इवन इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ज्वाइन करते उस मार्च को, और वो मार्च इतना ज़्यादा लंबा हो गया था कि मतलब लोग 2 माइल तक भी चल लेते थे. गांधी जी जस्ट समुद्र के तट किनारे 5th अप्रैल को पहुँचे, एंड वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने समुद्र के किनारे से थोड़ा सा मड उठा के कहा कि उसे हिलाते हुए कहा कि नाउ आई एम shaking the foundation of the British Empire, and he boiled some of the sea water and he made salt, and he implore all his followers that you make salt in this way. Chahe wo aapke liye illegal hai lekin aap isi tarike se banaiye, so that ki ब्रिटिशर्स अब ये समझ सके कि उनकी इस तरीके की जो डिमांड है उस चीज़ को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फुलफिल इट. नाउ व्हाट इंपैक्ट्स ऑफ द दांडी मार्च. सो इन इंडिया
millions of people, they broke the salt law and they start making salt or buying illegal salt. Even not only that, Gandhiji made a pinch of salt and he sold it at ₹1,600 during that time. So if you can understand that how costly that salt was. So in reaction of this, the British government arrested over 60,000 people by the end of the same month. So this is salt law or Dandi March. So यहाँ से हमारा civil disobedience movement start हुआ. So civil disobedience movement start करने से पहले उन्होंने Britishers को 11 points ultimatum दिया. अब वो 11 points ultimatum क्या था वो जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि लॉर्ड इरविन को उन्होंने दिया था. पहला था प्रोहिबिट्स इंटॉक्सिकेंट्स लिक्वर. इसका मतलब है कि टॉक्सिक चीज़ों पे बैन लगाना. चेंज द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन द रुपी एंड द स्टर्लिंग. जो एक्सचेंज रेशियो जो उन्होंने रखा है रुपी का स्टर्लिंग में, रुपी का जो चेंज होना है जो रेशियो रखा है, लाइक एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि जैसे $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़, तो वो एक्सचेंज का जो रेशियो है उसे चेंज किया जाए. रिड्यूस द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का जो रेट है उसे कम किया जाए. सॉल्ट टैक्स बंद किया जाए, बैन किया जाए. रिड्यूस द मिलिट्री एक्सपेंडिचर, मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उसे बंद किया जाए, उसे कम किया जाए. रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो खर्चा हो रहा है उसे भी कम किया जाए. इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लोथ्स, फॉरेन क्लोथ्स में कस्टम ड्यूटी लगाया जा सके. एक्सेप्ट द पोस्टल रिजर्वेशन बिल, पोस्टल रिजर्वेशन बिल को एक्सेप्ट किया जाए. CID डिपार्टमेंट को भी बंद की बैन किया जाए. और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को प्रिजन में डाला गया है सो उन सब को रिलीज़ किया जाए. एंड द लास्ट वन इज़ इंडियंस को भी जो उन्हें भी फायर आर्म्स के लिए लाइसेंस इशू करवाया जाए, सो दैट दे कैन कीप द फायर आर्म्स फॉर देयर सेल्फ प्रोटेक्शन. सो दीज आर द 11 पॉइंट्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन जो गांधी जी ने इरविन जी, लॉर्ड इरविन को दिया था. एंड ही गिव द अल्टीमेटम कि इन 11 पॉइंट्स को आपको राजी होना पड़ेगा. सो बाय सेइंग ऑल दिस थिंग्स गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑफ देम. सो गवर्नमेंट ordered for the firing lathi charges and large scale of imprisonment. अब अगर large scale of imprisonment की बात करें तो about 90,000 सत्याग्रही को उन्होंने पकड़ा था, जेल में डाला था. उनमें से एक गांधी जी भी थे. और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया एंड नेशनल प्रेस में भी कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. खान अब्दुल गफर खान जो कि द फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे पेशावर में, जहाँ की गढ़वाल ट्रूप को विच इज़ नोन एज प्लाटून उन्हें ओपन फायर के लिए ऑर्डर दिया गया, लेकिन उन्होंने ओपन फायर करने से मना कर दिया. इसी वजह से जो गढ़वाल ट्रूप्स के जो कमांडर थे ठाकुर चंद्र सिंह, उनको और पूरे ट्रूप को बहुत बुरी तरह पनिश किया गया. एंड एवरीवेयर, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हर जगह लोग स्ट्राइक कर रहे थे और वहाँ पे लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग की भी ऑर्डर गवर्नमेंट पास कर रहे थे. सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट. नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस.